नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। ओके, आज का मेरा विषय है हिंदी, और हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊँगी आ की मात्रा। दिस इज आ की मात्रा, वन स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। दिस इज आ की मात्रा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आ की मात्रा की 12 खड़ी, और उसके बाद फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, आ की मात्रा के शब्दों की कहानी। क आ का, स्पीक क आ का। जब आ की मात्रा आती है तो हमारा माउथ ओपन हो जाता है, और जब आ की मात्रा नहीं आती तो हमारा माउथ ओपन नहीं होता है। लाइक दिस, क का, का में कोई हमारा माउथ ओपन हुआ है? नहीं हुआ ना। तो जब हम उसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा माउथ ओपन होगा, लाइक दिस, क आ का। और इसकी लॉन्ग साउंड जाती है, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, ण आ ना, च आ चा, छ आ छा, ज आ जा, झ आ झा। यहाँ के साथ आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, ट आ टा, ठ आ ठा, ड आ डा, ढ आ ढा, ण आ ना, त आ ता, थ आ था, द आ दा, ध आ धा, न आ ना, प आ पा, फ आ फा, ब आ बा, भ आ भा, म आ मा, य आ या, र आ रा, ल आ ला, व आ वा, श आ शा, श आ, दिस इज श षटकोण, श आ शा, एंड स आ सा, ह आ हा, एंड दिस इज आ की मात्रा। ओके, अब मैं आपको आ की मात्रा की एक कहानी सुनाऊंगी। ओके, एक लड़की थी, उसका नाम माला था। क्या नाम था उसका? मा, म आ, ल आ, माला। उसका नाम माला था, और उसका एक भाई भी था, और उसका नाम था राजन। क्या नाम था उसका? रा आ जन, राजन। उसके भाई का नाम राजन था। एक दिन उसके घर में उसके मामा आए। किसके मामा आए? माला के मामा, राजन के मामा। म आ मामा। और उनके मामा, पता है आपको क्या लाए थे? उनके मामा लाए थे आम। क्या लाए थे? आम। आम कितना मीठा होता है, आम कितना रसीला होता है, आपको अच्छा लगता है आम? और उसके मामा लाए थे अनार, अ न आर, अनार। उसके मामा अनार भी लाए थे। फिर उसकी मम्मी, माला की मम्मी, माला की मम्मी का नाम था राधा, र आ ध आ राधा। उसकी मम्मी ने मामा जी के लिए, आपको पता है क्या बनाया था खाने में? माला की मम्मी ने चावल बनाए थे। क्या बनाए थे? चावल। फिर उन सब ने मिलकर चावल खाए, और फिर चावल खाकर वो बाजार में घूमने गए। ब आ ज आ र, बाजार में घूमने गए। वहाँ से उन्होंने क्या खरीदा? आपको पता है क्या खरीदा? उन्होंने वहाँ से अनानास खरीदा, अन आ
न आस अनानास। और फिर उन्होंने क्या देखा, आसमान पर काले काले बादल आ गए। ब आ द ल बादल, आसमान में क्या आ गए, बादल आ गए। फिर और लगातार फिर बरसात होने लगी। बरसात बरसात। फिर उन्होंने क्या किया, बरसात आने लगी तो उन्होंने वहाँ से एक छाता खरीदा। क्या खरीदा, छाता खरीदा। और फिर वो घर पर आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी आ की मात्रा। आज मैंने आपको क्या बताया, आ की मात्रा, और ये है आ की मात्रा के शब्द। और फिर मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई, और आ की कहानी में कौन कौन से पात्र थे, मैंने आपको कौन कौन से पात्रों के नाम बताए थे, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, लड़की थी, लड़की का नाम था माला, और माला के भाई का क्या नाम था, राजन। और उनके घर में कौन आया था, मामा आए थे, और मामा क्या लाए थे, आम, अनार। और माला की मम्मी का क्या नाम था, राधा, र अ ध आ राधा। ये आ की मात्रा होती है। और फिर उसकी मम्मी ने मामा जी के लिए क्या बनाया, चावल, च आ चावल। फिर वो कहाँ पर घूमने गए, बाजार, ब आ ज आ र बाजार घूमने गए। फिर उन्होंने वहाँ से खरीदा अनानास, अ न आ न आ स अनानास। फिर आसमान में क्या आए, काले काले बादल, ब आ बादल। ब फिर बरसात होने लगी, बरस आ त बरसात। आ की मात्रा आ रही है ना, देखो बरस आत बरसात। जब चार अक्षर के जोड़ होते हैं तो आप उनको आधा आधा करके बोल सकते हैं, लाइक दिस, बराबर स आत सात बर सात, छ आ त आ छाता छाता। उन्होंने छाता खरीदा था ना, और फिर वो वापस घर आ गए थे। तो दिस इज आ की मात्रा, वन स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। तो मुझे उम्मीद है आपको आ की मात्रा समझ आ गई होगी। अब आपने घर में आ की मात्रा के शब्दों को ढूंढो और लिखो। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।